कांदिवली पश्चिम स्थित शैलेश नगर कॉर्नर पर के अनिल एम शाह फाउंडेशन द्वारा आयोजित आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त डायबिटीज चिकित्सा शिविर का आयोजन गौरव शाह के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार की मुंबई अध्यक्षा डॉक्टर नीलू जैन, आयुष्मान भारत ये 5 लाख रुपए की योजना है, इसमें आपका हेल्थ का भी करना है और ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। इसी योजना के साथ योजना खुले आरोग्य योजना, ये योजना हर ऑरेंज नेशन कार्ड धारक को, इसमें कोई भी कार्ड की जरूरत नहीं है। आपका ऑरेंज नेशन कार्ड है, आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1.5 लाख तक के ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा। आप ये नंबर पे कॉल करोगे, आपका राशन कार्ड नंबर दोगे तो भी आपको पता पड़ेगा आप इस लिस्ट में हो या नहीं हो। 2011 की जो सेंसस लिस्ट थी उसमें जो बीपी है लो पावर्टी लाइन की लिस्ट थी, उसमें ये योजना में मुंबई में 4 लाख लोगों को ये योजनाएं दी गई है। उसमें से 1.25 लाख लोगों के घर में ये इसके लेजर्स है जो जा चुके हैं। अभी तक उत्तर मुंबई में कम से कम 5,000 लोगों को ये कार्ड मिल चुके हैं। शताब्दी हॉस्पिटल में आरोग्य मित्र केंद्र है, उसमें भी आप जाकर अपने कार्ड निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र महासचिव आशीष मिश्रा फाउंडेशन मेडिकल अध्यक्ष मेहुल जोशी की देख रेख में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपना मुफ्त डायबिटीज चेक करवाया और आयुष्मान भारत योजना का 500 लोगों ने लाभ उठाया, जिसके तहत 1.5 लाख से 5 लाख तक मेडिकल का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत ऐसी तमाम तरीके की योजनाएं जो लोगों तक पहुंचाने का कार्य डॉक्टर नीलू जैन करती हैं। चलिए जानते हैं नीलू जैन का क्या कहना है। हम लोग प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की टीम है महाराष्ट्र की, वो हम लोग सब साथ मिलकर यहाँ पे आज एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया है आयुष्मान भारत का, और हमने इसके साथ ब्लड शुगर की 100 लोगों की टेस्टिंग फ्री रखी है ताकि पब्लिक को हेल्थ अवेयरनेस हो डायबिटीज़ के लिए। और दूसरा, ये जो आयुष्मान भारत है यहाँ पे 2,000 लोग हैं जिनके ऑरेंज राशन कार्ड है कांदिवली वेस्ट शैलेश नगर एरिया में, पर यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, घर घर तक लोगों को ये योजना पहुँची नहीं है। इसलिए हम आज 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं आयुष्मान भारत को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने 15 दिन पहले गोराई में किया था 100 औरतों के बीच में, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया था। अभी हम आगे भाद्रन नगर में, पोईसर में, सब अलग अलग एरियाज़ में, उत्तर मुंबई में, जहाँ जहाँ भी हमें लगेगा जहाँ ऑरेंज राशन कार्ड वाले ज़्यादा है वहाँ हमारी पूरी टीम जाकर हम लोग ये कैंप करने वाले हैं। इसीलिए आज हम लोग ने ये जो कैंप लगाया है पब्लिक के बीच में लगाया है ताकि लोगों को आते जाते भी रास्ते पे दिखे कि हम ये कैंप कर रहे हैं। और हम यहाँ आने के बाद सबको समझाते हैं कि ये जो आयुष्मान भारत है और प्रधानमंत्री जन महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, ये आप 1.5 लाख तक की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है और 5 लाख तक की है। आप रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ आके निकालिए। और दूसरी जो योजना है श्रमधन योजना और ये वाली कौन सी श्रमधन योजना और प्रधानमंत्री रिटेल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, ये सब जो 4-5 योजनाएं हैं ये सब हम काम कर रहे हैं। पहले भी हमने उज्ज्वला योजना में प्रधान गोपाल शेट्टी जी के साथ, जो हमारे सांसद हैं उनके साथ हमने मैंने उज्ज्वला योजना का बहुत सारा काम उनके सहयोग से किया है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अभी भी अब उनके सहयोग से और हमारे जो MLAs है योगेश सागर जी और सुनील राणे जी, उनके सहयोग से हम बहुत सारा काम आगे करने वाले हैं। और हमारे संगठन मंत्री आशीष मिश्रा जी और जो पूरी टीम है गौरव शाह, हम सब मिल के बहुत अच्छी से ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक
तक जो योजनाएं होनी चाहिए घर घर जाके हम ये योजना करने वाले हैं, इसके लिए हम फुल टाइम रेडी हैं। शिविर में आए हुए लोगों ने डॉक्टर नीलू जैन का आभार जताया कि वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आप देखेंगे तो करीब 148 योजनाएं जो है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे जो आज हमारा जो कैंप है वो आयुष्मान भारत से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। इसी एरिया में 2000 लोगों का हमारा टारगेट है कि उनको आयुष्मान भारत के थ्रू हम जोड़ेंगे। इसके अलावा मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ जो बिजनेसमैन है, खुदरा व्यापारी हैं, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, गर्भवती महिला योजना है। तो जितनी भी योजना है सिर्फ यहाँ हम आयुष्मान के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में हम और लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं और सरकार की हैं जिसका उनको फ़ायदा लेना चाहिए। और हमारी जो टीम है, हम मंडल, ब्लॉक मंडल और जिला, लोकसभा एरिया सभी में हमारी टीम हम इसमें बनाए हुए हैं, और पूरे महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस तरीके का कैंप लगाएंगे और लोगों को इसका योजनाओं तक लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, जो है उनको अवेयरनेस। और हमारा अंत्योदय की हमारी जो है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए हम कार्य करेंगे। नीलू जैन जो है एक जो व्यवसाय से डॉक्टर है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की हमारी मुंबई अध्यक्षा है। इनके नेतृत्व में मुंबई की टीम जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और अभी 15 दिन पहले गुराई में हुआ था, फिर हमने आर्य कॉलोनी में कैंप किया हुआ है, आदिवासी लोग वहाँ काफ़ी सारे हैं, उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट करीब आप देखेंगे तो 40,000 तक का हमारा टारगेट है कि अगले एक साल में पूरे बॉम्बे और उसके सराउंडिंग में करीब 40,000 लोगों तक योजनाएं ये पहुंचे, वो हमारा टारगेट है। कैलाश अनिल एम्सा फाउंडेशन से आयोजित डायबिटीज जागरूक अभियान किया है, और ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो है इसे यहाँ पे करीब 2000 ऑरेंज राशन कार्ड धारक है जिसको ये योजना का किसी को मालूम नहीं है योजना के बारे में, तो अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने ये किया है। और प्रधानमंत्री मोदी का सपना है स्वस्थ भारत का सपना है जो हम लोग को पूरा करने का है, और यहाँ पे जितने ही ऑरेंज राशन कार्ड है सबको 5 लाख का जो मेडिकल मिलता है उसको बढ़ा के देने का हमारा लक्ष्य है, वो करना है हम लोग को। ये चालू हुआ है करीब यहाँ से 80 से 90 लोग का रजिस्टर हो गया है, और भी काफ़ी लोग खड़े हैं, उन लोगों को सबका हम लोग करके जाएंगे। मेरा नाम है संध्या एप्टे, मैं यहाँ पे अपना डायबिटीज चेक किया, ये गौरव शाह ने ये जो हमारी योजना की ये है, इसके लिए गौरव शाह का हम लोग खूब खूब आभार मानते हैं। जो गरीब लोगों को, इतना सारे लोगों को, जहाँ हम लोग 3-4 महीने से पहले परेशान थे वहाँ से नहीं, तो यहाँ पे हमारा तुरंत उन्होंने करवा दिया है, इसके लिए हम गौरव शाह के खूब आभारी है। लक्षा अभानी है, मैंने डायबिटीज चेक और आयुष्मान भव के लिए यहाँ खड़ी है, तो मेरा भी हो गया है। और यहाँ जो 3-4 महीने से हैरान हो रहे थे उसके लिए गौरव शाह ने जो आयोजित किया उसका खूब खूब धन्यवाद। मेरा नाम सरोज बेन बी परमार है, मैं आयुष्मान भव का फॉर्म भर के आई थी, और लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि वो लोग को बराबर मदद करता है, पहचानता है सबको, वो करेगा, अच्छा करेगा, सबको मदद करेगा। धन्यवाद। अंजलि मिश्रा के साथ गीता यादव, मेट्रो मुंबई।